हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब से नियरली 2 वीक्स के बाद, दैट इज 5th ऑफ जून को प्रीलिम्स कंडक्ट होने वाला है। इस टाइम पे आई होप आप सभी की प्रेपरेशन एंड रिवीजन अच्छी चल रही होगी। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ों का भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि हम कुछ ऐसी गलतियाँ ना कर पाएँ जिनकी वजह से हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन ना हो। देखो, होता क्या है, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से कभी बात करी हो जिसने पहले भी कुछ अटेम्प्ट दिए हों, तो डेफिनेटली कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी ओएमआर फिल करने में कुछ गलतियां करी थी। एंड इवन वो अच्छे स्टूडेंट्स होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने ओएमआर में गलतियां करी थी, इस वजह से प्रीलिम्स करने में नाकाम रहे। तो आपको क्या करना है, आपको इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि जब आप 5th ऑफ जून को अपनी ओएमआर शीट फिल करो, तो उसको अच्छे से फिल करो, सही ढंग से फिल करो, एंड इंश्योर करो कि आप उससे अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक भी कर पाओ। तो हमारे यूपीएससी की तरफ से ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताई गई हैं, साथ ही साथ मैं आपको कुछ और भी टिप्स दूंगा ताकि ये इंश्योर करें कि हम अच्छे से ओएमआर को अपनी फिल कर पाएं। तो देखते हैं कौन कौन सी आपको चीज़ें का ध्यान रखना है। देखो, आपकी जो ओएमआर शीट होती है कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका सेंटर क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, राइट, बुकलेट सीरीज, सब्जेक्ट, रोल नंबर। देखो, जो चीज़ें होती हैं जैसे कि सेंटर, सब्जेक्ट, ये देखो आपके जो भी इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपको कॉरस्पॉन्डिंगली बता देंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी है। उसके साथ ही आपकी ABCD में से कुछ बुकलेट होगी, आपका सब्जेक्ट कोड वहाँ पे मेंशन होगा, और आपका रोल नंबर जो होगा आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर साथ ही साथ नीचे आपकी OMR शीट्स होती हैं, जहाँ पे 1 to 100 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चीज़ें फिल करनी होती हैं, डॉट्स को फिल करना होता है। तो कुछ मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे आपको जो भी आपको बुकलेट मिली है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नंबर फिल करना है। ये आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर आपने ऊपर बुकलेट सीरीज ए फिल कर दिया एंड नीचे आप सी फिल करो, तो इस टाइप की चीज़ें आपको नहीं करनी। ये चीज़ें अवॉइड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। होगा क्या कि आप गलत बुकलेट भर दोगे एंड आपकी अकॉर्डिंगली ओएमआर चेक नहीं होगी, तो इसलिए इंश्योर करो कि ये चीज़ आप ना करो। उसके साथ ही साथ इनकोडिंग करना बहुत ज़रूरी है, राइट, मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी खाली ना हो। उसके साथ में ही आपको क्या इंश्योर करना है कि आपके रोल नंबर जो है ना बहुत ध्यान से भरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस को देखो, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं, हमें होता है कि अच्छा जल्दी से जल्दी मैक्सिमम टाइम हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में लगाएं, और ओएमआर को एक तरह से हम टाइम वेस्ट की तरह समझते हैं। बट ऐसा नहीं करना, हर चीज़ ओएमआर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी आप ऊपर जैसे रोल नंबर भर रहे हो, जैसे 0814845 इस केस में, तो मेक श्योर कि नीचे आप डॉट्स में भी वही सेम चीज़ फिल करो। उसके साथ ही आपको क्या करना है, कुछ प्रोहिबिटेड एरिया होता है, जैसे कि ये नीचे वाला एरिया, यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ये साइड वाला एरिया, या फिर ऊपर कुछ इस टाइप के रिलीजियस सिंबल्स बनाना या कोई भी सिंबल बनाना, बेसिकली साइड पे आपको कोई भी मार्किंग नहीं करनी, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। क्योंकि जब ओएमआर चेक होती है, अगर यहाँ पे कुछ मेंशन हो तो वो चेक नहीं होती कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मशीन के द्वारा। तो मेक श्योर कि ये चीज़ों का आप ध्यान रखो। उसके साथ ही जब भी आपको सर्कल को फिल करना है, तो मेक श्योर कि आप कंप्लीट सर्कल बनाओ। इनकम्प्लीट सर्कल्स हो गए तो वो चीज़ें चेक नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 50th क्वेश्चन का आंसर ए फिल करना है, तो मेक श्योर कि आप 50th क्वेश्चन अच्छे से देखो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ए वाला है ना उसको कंप्लीट सर्कल करो, जैसे कि इस तरह से किया गया है, राइट। तो कंप्लीट सर्कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। देखो, बहुत बार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं ओएमआर लास्ट के 5 मिनट में भर दूंगा, बट ये कई बार ना बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, देखो ओएमआर में आपको नियरली 100 बबल्स फिल करने पड़ेंगे, इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो। तो मेक श्योर कि आप ऐसा मत करो कि आखिर के 3 मिनट 4 मिनट में भरने की कोशिश करो। बहुत बार ऐसा हो सकता है इस वजह से कि आपके कुछ बबल्स फिल ही ना पाएं, एंड इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप राउंड के बेसिस पे ना, जैसे फॉर एग्जांपल पहले राउंड में आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप तभी फिल कर लो उनके जो भी ओएमआर में आपको बबल्स फिल करने हैं। फिर बाद में थोड़े और क्वेश्चंस का अकॉर्डिंगली फिल कर लो, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि आप कौन से क्वेश्चन का फिल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, जैसे मान लो आपने 13th का ना सी ऑप्शन फिल किया, अब उसके बाद आप 14th नहीं करना चाह रहे हो अटैम्प्ट, आपको 14th का आंसर नहीं पता, अब 15th का ए फिल करना है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 14th के कॉरस्पॉन्डिंग ही ए फिल कर देते हैं। उन्हें लगता है कि जो 13th के बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ही तो अटैम्प्ट करना है, पर ये चीज़ आपको नहीं करनी। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आप नंबर पढ़ो ध्यान से कि अच्छा क्वेश्चन 15 ये है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले को मुझे ए मार्क करना है, तो वही चीज़ आप अच्छे से फिल करो। उसके साथ ही और क्या मिस्टेक्स हम देख सकते हैं, अटेंडेंस लिस्ट में।
देखो आपको अटेंडेंस लिस्ट भी वहाँ पे मिलेगी, तो वहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डिंगली ये सारे पैरामीटर्स, जैसे कि आपको प्रेजेंट पे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग फिल करना है, एंड साथ ही आपकी टेस्ट बुकलेट सीरीज नंबर, आंसर शीट का जो सीरियल नंबर है, एंड अपने जो भी सिग्नेचर्स होंगे वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको साथ ही साथ करने पड़ेंगे, ताकि इंश्योर करने के लिए कि आपकी अटेंडेंस भी अच्छे से आए एंड उसको कॉरस्पॉन्डिंगली कंसाइल किया जा पाए आपकी OMR शीट के साथ। कुछ इलस्ट्रेशंस भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ कर रहे हैं एंड वो चीज़ें आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी है, राइट। और सही जगह पे ही जैसे सिग्नेचर्स करने हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है रोल नंबर्स को, इनकम्प्लीटली या गलत तरीके से नहीं फिल करना एंड इंश्योर करना है कि कोई भी गलती OMR के कॉरस्पॉन्डिंग ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सारी की सारी जो भी मिस्टेक्स OMR शीट में हो सकती थी उनको समझ लिया। टाइम वाला फैक्टर भी आप अकाउंट करोगे कि आखिर में ना भरने से बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग OMR शीट में फिल करते रहो, ताकि लास्ट में एक जो पैनिक की सिचुएशन आ सकती है वो आप अवॉइड करो एंड इंश्योर कर पाओ कि जब 5 जून को आप एग्जाम अच्छे से देके निकलो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ ओनली IAS। अच्छे से रिवाइज करते रहिए एंड मेक श्योर कि आप कोई भी गलती जो मैंने आज डिस्कस करी है वो एग्जाम में नहीं करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक।